नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड वेडी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A50 के कैमरे का जो UI है, कैमरे के UI के बारे में, कैमरे के UI के अंदर में क्या कुछ फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग बात कर लेंगे। कैमरा UI इसका कैसा है और कैमरे UI में आपको क्या कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, वो सब हम लोग आज इस वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा UI कुछ इस तरह से दिखता है। नीचे में कुछ ऑप्शंस है और ऊपर में कुछ ऑप्शंस है। हम लोग एक एक करके पकड़ेंगे और एक एक करके देखेंगे क्या कुछ फीचर्स और कैसा फीचर्स है। यहाँ पे आप लोगों को तीन कैमरा देखने को मिलता है। तीन कैमरे से एक कैमरा जो है मेन कैमरा है, दूसरा है डेप्थ सेंसर और तीसरा कैमरा आपको यहाँ पे एक वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। तो नॉर्मल फोटो में अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे फोटो मोड में आपको दो मोड भी दिया गया है। यहाँ पे एक है नॉर्मल मोड और दूसरा है वाइड एंगल मोड। आपको मैं दिखाता हूँ। सपोज़ ये नॉर्मल मोड है और अगर वाइड एंगल करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना एरिया आपका यहाँ पे कवर हो रहा है। सेम जगह पे खड़े होकर आप एक वाइड फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं और एक बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। तो ये वाइड एंगल मोड काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आप एक नया पर्सपेक्टिव वाला फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं इस वाइड एंगल कैमरे से। और फोटो के साथ में यहाँ पे आप एक छोटा सा आइकन देख पाएंगे, एक ब्लू कलर का आइकन जो है। ये ब्लू कलर का जो आइकन है यह है सीन ऑप्टिमाइजर या फिर AI सीन डिटेक्शन। इसके मदद से ये बता देगा जब आप किसी चीज़ का फोटो कैप्चर कर रहे हैं वो किस चीज़ का फ़ोटो है और उसके हिसाब से ये फ़ोटो को थोड़ा बहुत ट्विक करेगा। सपोज़ मैं यहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लांट का फ़ोटो कैप्चर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आइकन जो बन गया है ये एक लीप का आइकन बन गया है, यानी कि मैं पत्ते का फ़ोटो कैप्चर कर रहा हूँ और ये उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारे सीन्स को ये अच्छे अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर पाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई टेक्स्ट का फोटो कैप्चर करूँ तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि ये टेक्स्ट है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट का डिटेक्शन हो गया है। तो काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे सीन्स को ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर सकता है और डिटेक्ट करने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ आपको ये दे पाएगा। और उसके बाद ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको देखने को मिलता है बिग्सबी विजन। बिग्सबी विजन के अंदर में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं बिग्सबी विजन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे बिग्सबी विजन के अंदर जाके आप यहाँ पे लेंस का ऑप्शन है और ऐप्स का ऑप्शन है। डायरेक्टली आप ऐप्स की मदद से अमेजन असिस्टेंट और एडोब स्कैन का एक ऐप दिया गया है, अमेजन असिस्टेंट से अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप फोटो कैप्चर करके कोई भी चीज़ को अमेजन में डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा लेंस में अगर आप जाएंगे तो बिग्सबी का जो लेंस है, बिग्सबी लेंस के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट का फोटो कैप्चर करके उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर इस टेक्स्ट का यहाँ पे ट्रांसलेट करूँ या फिर इस टेक्स्ट को यहाँ पे डालूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो टेक्स्ट था पूरा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। और अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे टेक्स्ट को आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं या फिर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट में जाके आप यहाँ से इंग्लिश में या फिर किसी भी दूसरे लैंग्वेज में यहाँ पे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज़ मुझे स्पेनिश में इसको ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पे मैं ट्रांसलेट कर पाऊँगा। जैसे देख सकते हैं ऊपर में नॉर्मल है इंग्लिश और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं स्पेनिश में ट्रांसलेट हो गया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप यहाँ पे ऑटो को रख के चेंज करके कोई भी दूसरा लैंग्वेज भी डाल सकते हैं या फिर दूसरे लैंग्वेज से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप इसको ट्रांसलेशन को यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा ये फीचर है और इसको आप काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप किसी भी चीज़ को सामने रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो उसको सर्च करके बता देगा कि वो चीज़ एग्जैक्टली है क्या और गूगल में आपको एक सर्च रिजल्ट भी दे देगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ पे उसका एक सर्च रिजल्ट गूगल से आ गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है, डायरेक्टली आप किसी भी चीज़ का फोटो कैप्चर करके सर्च कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन में बाय भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बिग्सबी विजन। और उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है AR इमोजी। AR इमोजी एक काफ़ी अच्छा फीचर है और AR इमोजी की मदद से आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपना एक इमोजी बना सकते हैं और अपना एक इमोजी जो है वो आपकी तरह ही काम करेगा या फिर आप जो काम करेंगे वो वैसा आपका फेस बनाएगा। और AR इमोजी बना के आप अच्छे अच्छे जिप्स भी यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं AR इमोजी का बनाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसा एक फेस आएगा। उसके बाद आप एक रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो या फिर एक जिप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आपको AR इमोजी बनाना है तो इसके लिए पहले यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद ये आपका एक फ़ोटो कैप्चर करेगा और फोटो कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा मेल या फीमेल। इसके बाद नेक्स्ट करने के लिए बोलेगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपका एक इमोजी कैरेक्टर बना के आपको दे देगा। और उसके बाद आप उसका नेम, उसका लुक्स
और सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लुक्स में जाके आप यहाँ पर हेयर को चेंज कर सकते हैं, हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपना हेयर स्टाइल जैसा है आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं आपका हेयर स्टाइल। और उसके बाद यहाँ पे फेशियल हेयर यानी कि बियर्ड को भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, कैसा बियर्ड आपको रखना है वैसा बियर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फेस को भी आप मोटा पतला या छोटा गोल ऐसा अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसा फेस आपको चाहिए वैसा फेस बना सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली आप अपनी तरह ही इस फेस को बना सकते हैं, सारी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से आप अपना एक इमोजी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका एक इमोजी बन के यहाँ पर आ जाएगा, और देख सकते हैं इमोजी बन जाने के बाद ये आपकी तरह ही काम करेगा और आप इसका एक फ़ोटो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो ऑप्शन दिया गया है या फिर वीडियो का ऑप्शन भी दिया गया है। आप चाहे तो ऐसे करके एक फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं ऐसे करके आप एक फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहे तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो में जाएंगे तो यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने दोस्तों देखा यहाँ पे डायरेक्टली एयर इमोजी की मदद से आप वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा एयर स्टिकर्स का ऑप्शन भी दिया गया है। देख सकते हैं स्टिकर्स लगा के भी आप फोटो वगैरह कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके आप फोटो कैप्चर भी कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर आपको एयर स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे, जिन स्टिकर्स को लगा के आप अपने हिसाब से फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, फ्रेम लगा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे काम आप ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद ऊपर की तरफ देखेंगे तो बिग रिजन के नीचे आपको सेटिंग आइकन मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे फ्लैश ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन दिया गया है। टाइमर के बाद आपको यहाँ पे रेशियो दिया गया है, आप 3:4 में कर सकते हैं, 3:4 हॉराइजेंटल में कर सकते हैं, या फिर 3:4 या फिर 9:16 कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे 1:1 में फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, या फिर फुल स्क्रीन में भी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फुल स्क्रीन बन के आ गया है, तो फुल स्क्रीन में भी आप फ़ोटो कैप्चर करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फिल्टर्स दिए गए, फिल्टर्स को आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो फिल्टर्स यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, फिल्टर्स लगा के डायरेक्टली आप फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। और ब्यूटीफाई का ऑप्शन भी दिया गया है, ब्यूटीफाई को आप डायरेक्टली यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या फिर ऑटो में रख सकते हैं, या फिर ब्यूटीफाई को ऑफ भी कर सकते हैं। ब्यूटीफाई को ऑन रखने के बाद भी आप ब्यूटीफाई की इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलिए सेटिंग्स में घुस कर देख लेते हैं सेटिंग्स में क्या कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे सीन ऑप्टिमाइज़र का यहाँ पे इनेबल डिजेबल का ऑप्शन आपको दिया गया है, आप चाहे तो सीन ऑप्टिमाइज़र को इनेबल या डिजेबल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से मेन स्क्रीन से भी आप सीन ऑप्टिमाइज़र को डायरेक्टली यहाँ से टैप करेंगे तो ऑन हो जाएगा, और टैप दोबारा करेंगे तो ये दोबारा डिजेबल हो जाएगा। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है वैसा आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होल्ड शटर बटन टू क्या कर सकते हैं, होल्ड शटर बटन से आप टेक पिक्चर कर सकते हैं, क्रिएट जिप कर सकते हैं, या फिर अगर आप बर्स्ट शॉट लेना चाहते हैं तो बर्स्ट शॉट भी ले सकते हैं। उसके नीचे सेव ऑप्शंस दिए गए हैं, आप HEIF फोटो कर सकते हैं, सेव पिक्चर्स हाई एफिशिएंसी में आपका फ़ोटो कैप्चर होगा। और इसके बाद पिक्चर्स एज प्रीव्यूड, इसको आप कर सकते हैं, पिक्चर्स एज प्रीव्यूड कर सकते हैं, जैसे आप दिखेगा जैसे आपको दिखेगा वैसे आपका फ़ोटो यहाँ पर सेव होगा, यानी कि मिरर ऑप्शन जो होता है कभी कभी फ़ोटो कैप्चर करने के बाद उल्टा हो जाता है, वो यहाँ पर नहीं होगा, पिक्चर्स एज प्रीव्यूड करेंगे तो जैसा आपने फ़ोटो देखा है वैसे आपका फ़ोटो सेव रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर रेयर का वीडियो ऑप्शन दिया गया है, रेयर का वीडियो 16:9 में आप फुल एचडी तक वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर एचडी तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फुल स्क्रीन में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2336x1080, ये काफ़ी अच्छी बात है, आपका फुल एचडी तक थोड़ा हाई रेजोल्यूशन यहाँ पे यानी कि टॉल डिस्प्ले होने की वजह से 19:5:9 में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी फुल एचडी में। और 1:1 में अगर आप वीडियो कैप्चर करना चाहते हैं तो 1440x1440 में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से रेजोल्यूशन चूज करके आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप फुल स्क्रीन में फुल एचडी प्लस में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रंट में भी आप देख सकते हैं, फ्रंट वीडियो साइज़ भी रेजोल्यूशन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, सिमिलर है फ्रंट का रेजोल्यूशन भी,
आपको सिमिलरली देखने को मिलेगा। और उसके बाद हाई एफिशिएंसी वीडियो यानी कि HEVC आपको यहाँ पे कोडेक मिल जाता है, HEVC में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे HDR टोन को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, या ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, या फिर ऑलवेज अप्लाई आप करके रख सकते हैं। अगर आपको ऑल फोटो में HDR मोड चाहिए तो आप ऑलवेज कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस को यहाँ से आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, लोकेशन का टैग्स दिया गया है। और उसके बाद कैमरे का जो मोड्स है, कैमरे मोड का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। एडिट मोड कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे मेन कैमरे UI में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड देखने को मिलेंगे, जैसे प्रो मोड, पैनोरामा, फोटो, वीडियो, स्लो मोशन, ये सब बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। तो उन सारे फीचर्स को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कैमरे मोड्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे मोड्स दिखाएंगे। फोटो और वीडियो मोड बाय डिफॉल्ट रहता है, इनको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इनको पैनोरामा को चेंज कर सकते हैं। पैनोरामा को आप अपने हिसाब से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप पैनोरामा को डिसेबल कर देंगे तो होम स्क्रीन में पैनोरामा नहीं रहेगा, या फिर आप इनको रीअरेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको जो फीचर सबसे अच्छा लगता है या जो फीचर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको आप पास पास में रख सकते हैं। और देख सकते हैं कीप यूजिंग लास्ट मोड का एक ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जो मोड में आपने कैमरे को छोड़ा है या फिर कैमरे में अगर आप फोटो कैप्चर करते हुए आप कैमरे को बंद कर दिया तो लास्ट आपका फोटो मोड में ही आएगा। अगर आप वीडियो कैप्चर करते हुए कैमरे को बंद कर दिया तो वीडियो मोड में ही आपका वापस आएगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर है ये फीचर। और उसके बाद यहाँ पे शूटिंग मेथड का ऑप्शन दिया गया है। शूटिंग मेथड में आप देख सकते हैं वॉल्यूम की से आप डायरेक्टली फोटो और वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, या फिर जूम कर सकते हैं, या फिर सिस्टम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। वॉइस कंट्रोल की मदद से आप फोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड वीडियो कर सकते हैं। देख सकते हैं पिक्चर लेने के लिए आप यहाँ पे ऐसे कमांड्स दे सकते हैं, चीज़, कैप्चर, शूट, और रिकॉर्ड वीडियो में रिकॉर्ड वीडियो बोलने से रिकॉर्ड भी ये वीडियो करता रहेगा। और फ्लोटिंग शटर बटन को आप इनेबल कर सकते हैं, या फिर पाम दिखा के भी आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। चलिए दोनों को आपको दिखा देते हैं फ्लोटिंग बटन कैसा होता है। देख सकते हैं एक शटर बटन के अलावा भी आप यहाँ पे एक फ्लोटिंग बटन यहाँ पे आ गया है। तो अगर आपको ये फ्लोटिंग बटन चाहिए तो आप ऐसे जाके इनेबल कर सकते हैं। इसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, और इससे क्लिक करने से भी आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा। और पाम दिखा के भी यानी कि हाथ दिखा के भी आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। देख सकते हैं हाथ दिखाने के बाद यहाँ पे फोटो कैप्चर हो गया है। तो इस तरह से भी आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। जनरली सेल्फी खींचने के टाइम आप डायरेक्टली हाथ दिखा के फोटो कैप्चर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और फाइनली शूटिंग मेथड के नीचे आपको मिल जाएगा वाटरमार्क, यानी कि अगर आप वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो वाटरमार्क का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आपका वाटरमार्क आ जाएगा। जैसे अगर आप कोई फोटो कैप्चर करते हैं तो फोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वाटरमार्क आ गया है। देख सकते हैं सैमसंग ट्रिपल कैमरे का वाटरमार्क आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और उसके बाद रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने कोई सेटिंग चेंज कर दिया है और आपको याद नहीं आ रहा है कौन सा एग्जैक्टली सेटिंग आपने चेंज किया है, तो रीसेट सेटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस और अबाउट कैमरे का फीचर दिया गया है। और इसके बाद चलिए हम लोग नीचे के ऑप्शन जो है नीचे के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और देख सकते हैं फोटो के बाद में यहाँ पे लाइव फोकस मोड का ऑप्शन दिया गया है। जैसे देख सकते हैं लाइव फोकस मोड यहाँ पे दिया गया है, और बैकग्राउंड ब्लर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ का फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड का जो ब्लर है, ब्लर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लर एडजस्ट करने के बाद आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर अप्लाई हो गया है। और बैकग्राउंड ब्लर अप्लाई होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट का एक ऑप्शन दिया गया है। चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट को आप चेंज करेंगे तो यहाँ से आप ब्लर को फोटो कैप्चर करने के बाद इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट डॉली का फीचर भी आप दिया गया है। पोर्ट्रेट डॉली जनरली सिंगल पर्सन के साथ अच्छा काम करता है, और पोर्ट्रेट बैकड्रॉप भी सिमिलर सिंगल पर्सन के साथ काम करता है। यानी कि अगर आप सिंगल पर्सन का फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे पोर्ट्रेट डॉली ज़्यादा अच्छे से काम कर जाएगा। और लाइव फोकस के बाद आपको यहाँ पे पैनोरामा का फीचर मिल जाता है। जैसे देख सकते हैं पैनोरामा में आप एक वाइड फोटो कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ऐसे नॉर्मली ऐसे फोटो कैप्चर करते हैं तो यहाँ पे जाके आप एक वाइड सा फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हो गया पैनोरामा मोड। पैनोरामा मोड के बाद आपको लास्ट में इस तरफ में देखने को मिलेगा प्रो मोड। हालांकि ये नाम का ही प्रो मोड है, प्रो मोड के अंदर हमें आपको प्रो फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप ISO कंट्रोल कर सकते हैं, वाइट बैलेंस, और यहाँ पे एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ना ही आपको मैनुअल फोकस दिया गया है,
ना ही आपको यहाँ पे शटर स्पीड का फीचर दिया गया है। शटर स्पीड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाम का ही है प्रो मोड दिया गया है। प्रो मोड में फुल फ्लेज्ड प्रो मोड आपको नहीं मिलता है। और फोटो के साइड में राइट साइड में अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे वीडियो मोड देखने को मिलता है। वीडियो मोड के अंदर आप वाइड एंगल में भी वीडियो कैप्चर कर सकते हैं या फिर नॉर्मल कैमरे में भी वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। वीडियो के बाद आपको यहाँ पे स्लो मोशन दिया गया है। स्लो मोशन देख सकते हैं। स्लो मोशन में यहाँ पे आप 720p में 120 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक वीडियो कैप्चर किया था और वीडियो को अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 720p तक आप स्लो मोशन वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। और स्लो मोशन वीडियो काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि आपको यहाँ पे स्लो मोशन में लाइट बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। लाइट अगर कम रहेगा तो आपका स्लो मोशन अच्छा नहीं दिखेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्लो मोशन का फीचर भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर जाता है। स्लो मोशन के बाद में राइट साइड में आपको मिलता है हाइपर लैप्स का फीचर। तो दोस्तों ये तो हो गया रियर कैमरे के फीचर्स। अब देख लेते हैं फ्रंट कैमरे में क्या कुछ सेटिंग्स या फीचर्स आपको देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरे मोड में आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो वीडियो मोड दिया गया है। वीडियो मोड के साथ साथ आपका यहाँ पे फोटो मोड दिया गया है। फोटो मोड देख सकते हैं, फोटो मोड आपका यहाँ पे दिया गया है। फोटो मोड के बाद आपका यहाँ पे लाइव फोकस मोड दिया गया है। यहाँ पे भी आप बैकग्राउंड ब्लर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद टॉप के साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपका ब्यूटीफाई एडजस्ट कर सकते हैं या फिर स्किन टोन कलर ये सब आप यहाँ से मैनुअली चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे स्किन टोन को आप चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं या फिर कलर को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रेशियो भी देखने को मिल जाता है 4:3 या फिर अगर आप चाहे तो 16:9 में भी फोटो कैप्चर कर सकते हैं। और उसके साथ आपको यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन दिया गया है, फ्लैश का ऑप्शन भी दिया गया है। हालांकि यहाँ पे कोई इनबिल्ट फ्लैश नहीं है, आप अगर फ्लैश को ऑन करेंगे तो आपका स्क्रीन जल के यहाँ पे आपका फ्लैश की तरह काम करेगा। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आ जाता है सेटिंग्स का ऑप्शन। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाइए, देखते हैं क्या क्या सेटिंग्स दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगा सीन ऑप्टिमाइजर बाय डिफ़ॉल्ट डिजेबल है, यानी कि फ्रंट कैमरे में आपका सीन ऑप्टिमाइजर काम नहीं करेगा। और उसके बाद होल शटर बटन भी यहाँ पे काम नहीं करता है, यानी कि बर्स्ट मोड भी आपका फ्रंट पे काम नहीं करेगा। लेकिन सेव ऑप्शन का आपके यहाँ पे दिया गया है पिक्चर्स एज प्रीव्यूड, यानी कि जैसा आपको दिखेगा वैसे ही फोटो सेव होगा। और उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग मोड्स, वीडियो रिकॉर्डिंग एफिशिएंसी, एचडीआर टोन, ग्रिड लाइंस और बाकी सारे जितने भी सेम थे रेयर कैमरे के लिए वो यहाँ पे भी सेम है। और यहाँ पे आप कैमरे यूआई में ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपका कैमरा सामने से पीछे की तरफ चेंज होता रहेगा, या फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करेंगे, ऐसा करेंगे तो आपका यहाँ पे कैमरा एक से दूसरे कैमरे में स्विच करेगा। तो दोस्तों ये था सैमसंग गैलेक्सी A50 का कैमरा यूआई और उसका कैमरे का फीचर्स। और दोस्तों कैमरा रिव्यू इसके बाद में ही आ जाएगा, कैमरा रिव्यू भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। कैमरा रिव्यू में आपको डिटेल में इसका फोटो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी कैसा है वो सब भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का आपका ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।